अमी रावत, लीडर ऑफ अपोजिशन, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बेसिकली ये इंसिडेंट है वो मैं एक्सीडेंट नहीं गिनती, हम लोग इसे एक एक्ट ऑफ मर्डर गिन रहे हैं और डिमांड की है कि सिटिंग जज ये पूरी एपिसोड की इंक्वायरी करे और जो जो कसूरवार पाए जाए सभी पे मानव वध का जो क्रिमिनल केस है वो फाइल होना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ शियर एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। अगर आप देखोगे तो जो नियम है उसके हिसाब से लोगों को बिठाया नहीं गया, लाइफ जैकेट्स नहीं थे, 14 की कैपेसिटी की बोट में 28 लोग को बिठाना, लाइफ जैकेट के बिना बिठाना, लाइफ गार्ड नहीं होना, ये सब क्रिमिनल एक्ट है। और हमारी डिमांड यही रहेगी कि एज अ कांग्रेस पक्ष के इस पूरे एपिसोड की इंक्वायरी की जाए राइट फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट दिया तभी से हमने इसका विरोध किया हुआ था 2016 में जब प्रोजेक्ट दिया गया, जो प्रोजेक्ट के बेनिफिशियरीज या कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको फेवर करने के लिए आउट ऑफ वे जाके सारे नियम बनाए गए थे, तभी से हमने इसकी इंक्वायरी डिमांड की थी। और ये प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन खुद करे ये डिमांड थी, अगर खुद कॉरपोरेशन ने किया होता तो प्रोबेबली कमाने के इस चक्कर में जो आज बड़ौदा शहर ने इतना बड़ा लॉस भुगता है, जो बच्चों के पेरेंट्स ने आज जो भुगत रहे, ये कंडीशन नहीं आई होती। तो हमारी डिमांड है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स या जो कॉन्ट्रैक्ट अलॉट किया है शुरू से इसकी जांच होनी चाहिए और सारे जो कल्प्रिट्स है सब पे क्रिमिनल केस फाइल होने चाहिए। आपने बताया कि आउट ऑफ वे जाकर उनको कौन कौन से ऐसे जो मुद्दे थे जो आउट ऑफ वे जाकर, जब प्रोजेक्ट कंसीव किया गया 2016 में जिनको ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा था उनके पास एक्सपीरियंस सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स का था, उनके पास इस तरह के प्रोजेक्ट के कोई एक्सपीरियंस ही नहीं थे, तब हमने इसमें अपोज किया था, रिटर्न में अपोज किया है, लीगल नोटिस भी दिया था कॉरपोरेशन में। साथ ही जो यहाँ पर लैंड है अराउंड 50,000 स्क्वायर फीट लैंड, यह प्राइम लोकेशन है, यहाँ पर सारे मैरिजेस होते हैं, तो ये प्राइम लैंड भी उनको आउट ऑफ वे जाके दी गई थी। उसके बाद 2019 में जो प्रोजेक्ट्स में जिप लाइन वगैरह का प्रोविजन नहीं था वो भी अलाउ किया गया, तब भी हमने रिमाइंडर्स भेजे थे। पर हर जगह आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट ऑपरेट किया जाता था।